Subscribe Sapna's Food and Craft and press the bell icon for all notifications. वेलकम बैक टू सपनास फूड एंड क्राफ्ट। मैं हूँ सपना। आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी लौंजी, इसे आम की खट्टी मीठी चटनी के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक सभी की बहुत फेवरेट होती है, मेरी भी बहुत फेवरेट है। चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम कच्चे आम, जिन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है और साफ कपड़े से पोंछ लिया है। अब मैं इन्हें छील लूँगी। सबसे पहले उनके ऊपर की जो कैप्स होते हैं ब्लैक वाले, उन्हें निकाल देंगे और अब हम इन्हें छील लेंगे धीरे धीरे करके। सारे कच्चे आम हमें इसी तरह से छीलना है। ये सारे कच्चे आम मैंने छील लिए हैं और अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछा है। अब मैं इन्हें कट करूँगी। इसे बीच में से कट करेंगे और इसके सबसे पहले तो गुठली निकाल देंगे, क्योंकि ये गुठली हमारी सब्जी को ख़राब कर सकती है, क्योंकि इसमें काफ़ी कड़वापन होता है। ये देखिए, मैंने सभी कच्चे आमों से गुठली को निकाल दिया है। बारीक बारीक हिस्सों में कट कर लेंगे। आप चाहे अपने हिसाब से किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, पर बारीक बारीक हिस्से काटने से ये जल्दी से पक जाएगी, उसकी चटनी बहुत टेस्टी बनने वाली है। मैं इसी तरह से सारे कच्चे आमों को अच्छे से धीरे धीरे करके सारे आम कट कर लूँगी। ये मैंने सब कट कर लिए हैं। अब मैंने कढ़ाई गरम करके उसमें तेल डाला है 1 टेबल स्पून, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, थोड़ी सी राई, थोड़ी सी कलौंजी के दाने। कलौंजी के दाने कम ही डाले नहीं तो सब्ज़ी कड़वी हो जाएगी, और थोड़ी सी हींग। अब मैंने इसमें कच्चे आम ऐड कर दिए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। पाँच मिनट तक हमें इसी तरह से इसे चलाना है। अब मैंने इसमें डाला है 1/2 चम्मच नमक, थोड़ा सा हल्दी, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी गुड़। आप चाहे तो शक्कर का यूज़ कर सकते हैं या फिर पताशी भी डाल सकते हैं, पर ये गुड़ से बहुत टेस्टी बनेगी। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए, इसमें अब गुड़ ने अपना पानी छोड़ दिया है और ये अच्छी सी बन गई है। अब हम इसे 10 मिनट तक ढक्कन लगाकर पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए, ये सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच काला नमक डालेंगे, थोड़ी सी किशमिश। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सब्ज़ी अच्छे से पक गई है, देखिए पूरी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसे बाउल में सर्व कर लेते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। छोटे बच्चों को आप ब्रेड के साथ या पराठे के साथ दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगी। कोई नाटक नहीं करेंगे खाना खाने में। इसी तरह से सब्जी को मैं इसमें फिल कर लूँगी। आपको अगर आज मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।